mom aur unki mom ke saath mein hu. So I have Divya Ved, my mother, and I have Madhu Dutia. She's actually mom's fui, but she's like her mom only. And bachpan se main unko fui bula rahi hu, to it's just like ki ek generation, meri upar ka generation aur unke upar ka generation, hum teenon aaj saath mein aapko batayenge ki hum hamare bag mein kya carry karte hain. Surprisingly hum teenon ke paas black color ka bag hai. Aapko kya lagta hai mere bag mein kis type ka samaan hoga? Power bank सबसे पहले. कभी भी फोन चार्ज नहीं होता है, सो पावर बैंक फर्स्ट. और आपको पानी का बोतल. नाउ यू गेट टू सी इफ दे आर राइट और रॉन्ग. फर्स्ट छतरी, दिखता है पानी के बोतल जैसा बट है छतरी. परफ्यूम, क्योंकि मुझे बहुत पसीना आता है. प्रोटीन बार, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगती है, अगर मैं ये एक खा लें तो दो घंटे तक भूख नहीं लगती. एयरफोन्स, मतलब मेरे जनरेशन के किसी भी पर्सन के बैग में से एयरफोन्स का कोने को टाइप तो मिलेगा. देन एक नोटबुक हमेशा मेरे साथ होती है, क्योंकि मुझे लिखना बहुत पसंद है. गेमिंग कार, हम मॉल गए थे, हम तीनों साथ में मॉल गए थे कल, तो हमने गेम्स खेले थे, तो कार मेरे पास है. कोई भी एक टाइप का जैकेट या स्कार्फ मेरे पास होता ही है. इन दोनों का ऑर्डर है कि मेरे बैग में कोई तो ढकने वाली चीज होनी ही चाहिए. वॉलेट, ज़ारा के बिल्स, मैं बहुत जाती हूँ ज़ारा आजकल, तो मैं सारे बिल्स स्टोर करके रखती हूँ, सो एक्सचेंज करते वक्त इजी पड़े. पैसे, मधु फुई वॉज राइट, पानी का बॉटल. एंड मुझे हर बार पानी का बॉटल चाहिए होता है. एंड इतने मुझे इतनी आदत है बॉटल कैरी करने की कि मेरे फ्रेंड्स पर कैरी नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है हेली तो लाने वाली है. बैग का स्ट्रैप, घर की चाबी, मैं इस पर बेल हमेशा लगा के रखती हूँ ताकि गुम ना जाए. नेल कटर, और मुझे डेड स्किन बहुत हो जाता है, तो इरिटेट ना हो इसलिए मैं हर बार नेल कटर साथ में रखती हूँ. पांचों का नोट मुझे नहीं आता इधर है, दिस इज गोइंग इन माय वॉलेट. यस, कैसे छुपके से पैसे निकलते ना, इतनी खुशी होती है. ओ, लिप बाम जो सेल में लिया था, एंड थोड़े से कॉइन्स, एंड दैट्स इट. दैट्स माय बैग, कंप्लीटली एम्प्टी. मैं पावर बैंक नहीं रखती, मैं चार्जर भी नहीं रखती, इसलिए मेरी बैटरी हमेशा डेड होती है. तो बट या, दिस वाज एवरीथिंग दैट आई कैरी. अगर आपको कोई भी एक चीज चुराने मिलती मेरे बैग से, तो आप क्या चुराते हैं? मैं तो फ्री पेनी चुराने नहीं सकती, नॉट नहीं कर सकती. तो मधु फ्री मेरे बैग से पेन चुरा लेते. पेन क्यों चुराते हैं? बस ऐसे दिन तो मजा आता है पैरों को चिराने के. तो वो पेन इसलिए चुराएंगे ताकि मैं फिर मेरे नोट्स ना बना पाऊँ. और आप क्या चुराते हैं? परफ्यूम. हाँ, मम्मी को मेरे परफ्यूम्स पे हमेशा नजर होती है. शी लाइक टू यूज कर रही है, नहीं मैं ले लेती हूँ. अब आता है मिडल, मम्मी पे. मतलब आपको क्या लगता है मम्मी किस टाइप का सामान तैयारी करती होंगी? वो तो सब साथ में ही रखती है. पहले तो वो टिश्यू पेपर स्पॉट, और मम्मी को टिश्यू या रुमाल के बिना नहीं चलता. और मुझे लगता है कि मम्मी के पास नोटबुक और पेन तो कैरी करती होगी, क्योंकि मम्मी जब भी मार्केट जाती है ना, एक छोटा नोटपैड मम्मी का होता ही है, तो आई थिंक मम्मी के बैग में भी रहता ही होगा. लेट्स सी, दिस इज माय बैग. ज्यादा करके मैं बैकपैक ही यूज करती हूँ, मेरे हाथ हमेशा फ्री रहे. फर्स्ट मोबाइल्स, काफी सारी चीजें हैं, बिजनेस के भी कॉल आते हैं, मैसेजेस चेक करने रहते हैं. जैसे हेली ने बताया, यस नोटबुक, एंड देन फोल्डिंग बैग्स, कुछ बिना प्लान के कभी कुछ लेना हुआ, यस नैपकिन एंड टिश्यूज. आई हैव डस्ट एलर्जी, सो ज्यादा धुआं या समथिंग ऐसे एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है नाक में, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है. सो टिश्यू मैं हमेशा कैरी करती हूँ. सम फूड, चॉकलेट्स एंड ड्राई फ्रूट्स. टू थ्री पाउचेस पर्स में हमेशा रहते हैं. सो दिस इज माय की पाउच. इफ यू रिकॉग्नाइज दैट, द शीन हॉल में था उठापा गया मेरे से. एंड ये वॉलेट है जिसमें मैं कुछ चेंज रखती हूँ. लोकल ट्रैवल, लोकल ट्रांसपोर्ट में मुझे बहुत रिक्वायरमेंट होती है. सो 10 रुपीज, 20 रुपीज, कॉइन्स, जो मेन चीजें मेरी रहती है वो ये वॉलेट में मैं रखती हूँ. मेरी स्किन बहुत ऑयली है, और मुझे अगर ज्यादा पसीना या कुछ आता है, देन ऑल्सो समटाइम्स मुझे हेडेक भी हो जाता है. सो ये पेन है जो मैं ये भी हमेशा साथ में रखती हूँ. विजिटिंग कार्ड वॉलेट में ज्यादा नहीं रख पाती हूँ, सिर्फ एक या दो ही मेरे रह पाते हैं. सो दैट्स व्हाई मैं कोशिश करती हूँ कि 10-15 साथ में कैरी करूँ. वन है मैं एंड रबर बैंड, दिस इज स्मॉल पाउच अगेन,
जिसमें मेरा कनेक्टर है और दोनों फोन के ईयर प्लग्स है, दोनों में एक यूज नहीं कर सकते, सो दैट्स व्हाई मैं ये पाउच कैरी करती हूँ जिसमें मैं मेरी वो सारी चीजें आ जाती है। एंड लास्ट पॉकेट परफ्यूम, दैट्स इट। फेवरेट चीज कौन सा है इसमें से? आप क्या चलाते हैं? मेरे को मालूम था इसलिए जैसे ड्राई फ्रूट निकाला मैंने मधुफी को डब्बा दे दिया कि अब खा लो रोटी। मधुफी ड्राई फ्रूट चुराते हैं और मैं ऑलरेडी आइसक्रीम चॉकलेट का डब्बा चुरा चुकी हूँ। वाह, मुझे नहीं लगा था कि मॉम फैन वगैरह भी कैरी करते होंगे। मतलब आई नो कि मेरा भी स्किन ऑयल है लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं रखती हूँ। मतलब यही फर्क है मेरे और मम्मा के जनरेशन में कि हमको प्रॉब्लम मालूम होने के बावजूद हम आलसी होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट उनको अगर प्रॉब्लम मालूम होता है तो वो लोग कुछ करते उसके बारे में। तो वाओ, लाइक फैन रखना और लोपी टी के लिए चॉकलेट्स रखना, वेरी वेरी स्मार्ट थिंग। वन थिंग, मुझे एक दूसरी आदत है कि मेरी जो बैग है सो कोशिश करती हूँ, प्लानिंग करती हूँ कि मुझे कहाँ पे जाना है। समटाइम्स जैसे अगर मुझे मेरे सेंटर पे जाना है योगा सेंटर, तो उसके पहले मैं वापस मेरी रीचेक करती हूँ बैग अकॉर्डिंग टू देट मेरी डिजाइनिंग और जो रिक्वायरमेंट की चीजें, पानी की बोतल एक नहीं दो लगती है मुझे, तो वो मैं चेंज करती हूँ। अगर मुझे मार्केटिंग जाना है तो फोल्डिंग बैग जो मैं अभी मैं नॉर्मल रखती हूँ एक या दो, तो वो उसकी क्वांटिटी बढ़ा देती हूँ। सो वो मुझे आदत है कि मुझे कहाँ पे जाना है बिफोर देट मैं मेरी पूरी बैग का अंदर का जो भी स्टफिंग है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मैं चेंज करती रहती हूँ। स्मार्ट। और हम लास्ट मोमेंट में भागते हैं, मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो। नाउ इट्स टाइम फॉर मधुफी। तो मम्मी आप क्या लगते हैं कि मधुफी के बारे में से क्या कहती है? एक चीज है जो उनको बहुत पसंद है, दैट्स समथिंग सुपारी या तो इलायची, पहले आती थी जिंतान, दैट्स सिल्वर कलर थी। तो वो मुझे पहले पता, जब मैं छोटी थी तब हमेशा उनके पर्स में से निकलता ही था माउथ फ्रेशनर, तो आई थिंक वो तो डेफिनेटली होगा ही होगा। मुझे लगता है कि मधुफूल के बैग में से थोड़ा मेकअप निकलेगा। आई थिंक मेरे और मम्मी दोनों के बैग में मेकअप नहीं था, बट मुझे लगता है कि मधुफूल के बैग में एक तो मेकअप का प्रोडक्ट शायद होगा। लेट्स सी, बताइए। ये मिल गए, पहले तो मोबाइल जरूरी है और पहले चाहिए, ये छोटा छोटा चिल्लर है सब साथ में ही रखना पड़ता है। कभी कभी माउथ प्रेशर चाहिए तो वो इलायची तो साथ में रखती हूँ, साथ में पूरा मम्मी वो सब पॉइंट सब निकलते हैं। कभी कभी वो भी जरूर पड़ती है ना, जाता है। यस, तो फिर भी हमारे जैसे पाउच हमेशा कैरी करते हैं साथ में। पाउच में तो सब आ ही जाते हैं, कभी कभी भी ट्रैवल पे जाते हैं तो टिश्यू तो मांगता ही साथ में रखना ही पड़ता है। और ये पेपर शॉप है वो भी साथ में रखती हूँ, कभी ट्रैवलिंग में अच्छा लगता है। कभी भी बाहर जाने का है तो मेरे को सिर दर्द भी कुछ भी कैसे भी होता ही रहता है, ऐसे ये दवा बैंडेज सब साथ में रखती हूँ। मेकअप का सिर्फ पेन और कागज भी साथ में रखना पड़ता है, कभी भी बाहर जाते हैं तो पहले जरूर पड़ती है। हम तीनों के बारे में अभी ये पाउच में मेरा सब आईडी प्रूफ है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, सब साथ में रखना पड़े ट्रैवलिंग में, कभी भी काम आता है। कैरी बैग भी लंबा छोटा वाला नहीं बड़ा वाला रखना पड़ता है। गॉगल्स चश्मा कभी भी बाहर चलती हूँ मेरे छोटे रखना पड़ता है कुछ ना कुछ तो। और जब भी घर पे पहुँचती हूँ तो बोलते हैं दादी कुछ लेके आए कुछ लेके आए, तो रखना ही पड़ता है ऐसे। वही कमी साथ में रखनी पड़ती, कभी भी बाहर जाते हैं तो ऐसे ये रुमाल भी रखना पड़ता है ऐसे। बस अभी खाली हो गया। मम्मी आप क्या चुराओगे? I am also looking for present, तो मैं चॉकलेट ही चुराऊंगी। So this chocolate I like. मैं अगर होती तो मैं स्टिकर्स चुरा रही थी, क्यों कह? But actually मधुफी का बैग सबसे छोटा था लेकिन सबसे ज्यादा काम की चीजें आई थिंक उन्हीं के बैग में से निकली है। मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि मैंने
उतनी काम की चीजें नहीं रखी. इन दोनों ने एक्स्ट्रा बैग्स रखे हैं, टिश्यूज वगैरह रखे हैं, एंड इन इमरजेंसीज मुझे मेडिकल स्टोर भागना पड़ता है टिश्यूज लेने, या बैग भी भैया को रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि प्लीज आज दे दो, आज मेरे पास बैग नहीं है. तो आई थिंक ये दोनों काफी आगे की सोचते हैं कि पूरे दिन में क्या क्या चाहिए होगा, हम वो नहीं सोचते. तीनों के बैग में से पेन एंड पेपर निकला, मतलब चलो कुछ तो अच्छी आदत है मेरे में इन दोनों में से. आपको क्या लगता है? और मैं पहली बार करती हूँ यूट्यूब पे. बहुत ही खुशी होती है, मतलब कोई सब वीडियो देखता है, सब पूरा पूरा ऐसा वीडियो देखते है, मजा आता है देखने में भी. उनका टंग लैंग्वेज एक्चुअली हम लोग का गुजराती है, कच्छ है. गुजराती में उनको ज्यादा कंफर्टेबल था ये वीडियो बनाने के लिए. बट गुजराती एक ऐसी लैंग्वेज है, यस काफी लोगों को समझ में आएगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं भी आ सके. तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप कोशिश करें कि आप हिंदी में बोलिए. तो गुजराती में तो आपको वीडियो क्यों बन जाए. यस सच्ची बात. हां तो पर मैंने खुशी थी कि ना मैंने इतना चांस मिलो. अब मैं गुजराती में वीडियो बनाऊं सो कमेंट માં જરૂર કેજો કે ગુજરાતી માં શું વિડિયો જોવો છે અને અમે ડેફિનેટલી સાથે બનાવશું. પણ this was what's in our bag, three different generations. Let us know આપકા કે ઓબ્ઝર્વેશન થા, કિસકી બેગ આપકો સબસે ઝ્યાદા પસંદ આઈ. અગર આપકો એક દિન કે લિયે કિસી કા બેગ મિલ જાય તો આપ કિસકા બેગ લેતે? એન્ડ યા this is it. હમ આપકો મિલેંગે અગલે વિડિયો મે. અનટિલ ધેન ગુડ બાય.